काली और बदसूरत। बेटा मैं कैसे समझाऊं, तुम्हारी मम्मा सिर्फ रंग के पीछे पड़ी है, उसको लगता है जो गोरा है वही अच्छा होता है और जो काला है वो अच्छा नहीं होता। शनाया को देखो, इतनी पढ़ाई कर रही है वो और कर भी क्या सकती है, शीशे में अपने आप को देखेगी, शीशा पे डर के टूट जाएगा। काली काली काली, थक गई हूँ मैं सुन सुन कर, बस बहुत हो गया, अब मैं इसे बदला लेकर रहूंगी। पुनीत, शनाया धूप में जाकर अकेले तुम्हारे लिए दवाई लेकर आई और तुमने उसको थप्पड़ मार के कमरे से बाहर निकाल दिया। कैसी माँ हो तुम, इतना कुछ करती है वो तुम्हारे लिए, तुमसे इतना प्यार करती है और तुमको उस पे जरा भी दया नहीं आती। नहीं आता प्यार, नहीं आती दया, कभी प्यार आने भी लगे ना तो उस जब मैं उसकी शक्ल देखती हूँ तो वो प्यार चला जाता है। पुनीत ये बहुत गलत बात है, तुम सारा दिन उस छोटी सी प्यारी सी मासूम सी बच्ची का दिल दुखाती हो, अरे तुम्हें भगवान से भी डर नहीं लगता क्या? शिनाया गंदी है, बहुत गंदी है, कहीं जाने लायक नहीं है, किसी से मिलने के लायक नहीं है, पर फिर सारे कामों के लिए शिनाया क्यों याद आती है? शिनाया डस्टिंग कर दो, शिनाया पानी ला दो, शिनाया झाड़ू लगा दो, मैं फालतू हूँ क्या? Later. बच्चों, पापा ना पेस्ट्रीज लाए हैं। वाओ मामा, पेस्ट्रीज। कौन सा फ्लेवर है? अनन्या, पापा ना चॉकलेट फ्लेवर लाए हैं। वाओ मामा, वो तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है। हाँ बेटा, आपकी फेवरेट है इसीलिए लाए हैं। मामा, चॉकलेट फ्लेवर तो मुझे भी पसंद है। ठीक है बेटा। हाँ जी मामा, मैं तो दो दो खाऊंगी। श्योर। चॉकलेट फ्लेवर पेस्ट्री खानी है। उल्लू। एक काम कर, तू ना वो क्रीम खा लियो जो बॉक्स के ऊपर रह जाती है। Later. शनाया, मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है, जरा ले आ। शनाया, मैं नहीं ला रही, ये बुक तो कितनी इंटरेस्टिंग है ना, मैं इसे कहीं छुपा देती हूँ वरना अनन्या दीदी आके मुझसे ले लेंगी, और मामा भी तो दीदी की साइड ही लेती हैं। शनाया, मैं इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई मामा। शनाया, मेरे साथ ना ये स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, आई बात समझ में? हाँ जी मामा। Much later. अरे पुनीत। हाँ जी। अभी मोंटी का फोन आया था। हाँ? आज रात को वो हमको डिनर पे बुला रहा है। अरे वाह, हम तो चलेंगे यार। अनन्या सियान, टाइम पे रेडी हो जाना बेटा। ओके मामा। अरे शनाया भी तो। प्लीज रमीक, आपको पता है मुझे शनाया को पार्टीज में लेकर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर पुनीत। छुपके पापा, वैसे भी मेरे को आज जाने का मन नहीं है, मैं घर पे बैठ के अपनी बुक रीड कर लूंगी, और वैसे भी मेरे को तो अब घर बैठने की आदत हो चुकी है। Later. कहाँ छुपाई गई शराया ने बुक? यहाँ पर तो नहीं है। नहीं, कहाँ पर रोक ना सकती है शराया की बुक? लगता है छुपा के रखी है इस लड़की ने कहीं। मैं भी ढूंढ निकालूंगी। तो फाइनली ये रही शराया की बुक। दीदी, आपने मेरी बुक क्यों ली? क्योंकि मेरी मर्जी। आप लोग तो मोंटी अंकल के घर जा रहे हो ना, तो मैं घर पे रह के अपनी इस बुक को पढ़ के टाइम पास कर लूंगी, तब तक मैं इसे खत्म भी कर लूंगी, फिर आप पढ़ लेना। नहीं।
कहा ना मुझे पढ़नी है ये बुक। मम्मा 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 क्या हुआ बेटा? मम्मा शनाया मुझे थप्पड़ मारा। शनाया? शनाया? हाँ जी मम्मा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनन्या को थप्पड़ मारने की? हाँ मैं मारूंगी मैं मारूंगी मैं मारूंगी। मेरे सामने ना ये बदतमीजी नहीं चलेगी। और हाँ अगर तुम्हारे को तुम्हारे इस काले होने का कॉम्प्लेक्स है ना तो मेरी बेटी पे मत निकालो। अभी दफा हो जाओ और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे थोड़ी देर। नहीं बेटा नहीं कोई बात नहीं मैं तुझे बहुत सारी बुक्स और ले दूंगी। बस बहुत सहलिया मैंने अब और नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। हाँ पढ़ ली सारी बुक्स और तू कर भी कह सकती है एक कोने में जा और पढ़ बुक्स। हम तो वैसे भी पार्टी में जा रहे हैं। आज पार्टी में सबसे सुंदर कौन लगेगा? देखो पता है मैं पार्टी में क्या पहनने वाली हूँ? क्या? मेरी न्यू वाली ड्रेस जो मामा ने मुझे मॉल से लेकर दी थी। मन तो करता है दीदी की ड्रेस फाड़ दूँ। Later. ये मम्मा का फेवरेट है ना। बहुत घमंड है ना दीदी और मम्मा को अपनी सुंदरता पर। अब बनते रहे सुंदर। जब मम्मा इस मेकअप को अपने फेस पे लगाएंगी तो फिर उनका सारा फेस खराब हो जाएगा। अब आएगा ना मजा। मुझे काली काली बोलते हैं ना। अब देखते हैं। अरे शनाया, शनाया। हाँ जी पापा। अरे शनाया बेटा तुम भी चलती ना हमारे साथ? नहीं पापा, मम्मा मुझे कहीं लेकर नहीं जाना चाहती। आई हेट हर। शनाया बेटा ऐसे नहीं बोलते। आपने ही तो कहा था कि मम्मा बेस्ट होती हैं। वो सिर्फ थोड़ा सा भटक गई हैं। जब लाइन पे आ जाएंगी तो वो आपको बहुत प्यार करेंगी। मम्मा तो बेस्ट होती हैं। हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया? अब क्या होगा? अरे पुनीत तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दो, मेकअप करने ही जा रही हूँ। आई विल बी रेडी। अरे जल्दी मेकअप करो यार। हे भगवान अब मम्मा तो मेकअप लगाने जा रही है, अब मैं उन्हें कैसे रखूं? भगवान अब कैसे रोकूं मैं मम्मा को? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मम्मा मम्मा, मम्मा। शनाया थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। काले और गोरे में भेदभाव पार्ट 6 लाइव हो चुका है हमारे चैनल रमनीक सिंह 1313 पे। ये भेदभाव को बिल्कुल मिटाना है, हमेशा याद रखना है। वी देखने के लिए क्लिक करो, वीडियो देखो क्लिक करो, क्लिक 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 क्लिक।